अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जैनब और आज मैं बना रही हूं रेस्टोरेंट स्टाइल हॉट एंड सोर सूप। बर्तन में 2 लीटर पानी ऐड करेंगे। दो चिकन क्यूब्स ऐड करेंगे ताकि यखनी बन जाए। यखनी को हम 15 मिनट के लिए पका लेंगे। यखनी हमारी रेडी हो गई है, इसे हम बर्तन में निकाल लेंगे। बर्तन में 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। कुछ सेकंड के लिए इसे भून लेंगे। दो चौकी हुई हरी मिर्ची ऐड करेंगे। इसे भी 5 सेकंड के लिए भून लेंगे। बोनलेस चिकन ऐड करेंगे। चिकन को हम 5 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे। अब इसमें हम यखनी ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून काली मिर्च ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून नमक। 1 टेबलस्पून सिरका। 1 टेबलस्पून लेमन जूस। 2 टेबलस्पून सोया सॉस। इन्हें हम 10 मिनट के लिए पका लेंगे। एक कप बंद गोभी ऐड करेंगे। शिमला मिर्च ऐड करेंगे। थोड़ी सी गाजरें ऐड करेंगे। इन्हें हम 10 मिनट के लिए पकने देंगे। फोर टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर में 1/2 कप पानी ऐड करेंगे। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सूप में कॉर्नफ्लोर वाला पानी ऐड करेंगे और साथ साथ हिलाते रहेंगे सूप को। सूप हमारा आहिस्ता आहिस्ता थिक हो रहा है। 2 अंडों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था। अंडे ऐड करेंगे और साथ साथ इस तरह से मिक्स करते रहेंगे। थोड़ा सा धनिया ऐड करेंगे। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे। सूप को हम सर्विंग बाउल में ऐड करेंगे। ये देखें, हमारा इतना मजे का हॉट एंड सोर सूप रेडी हो गया है। अगर आपकी रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दूसरों का शेयर कीजिएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी।